गाइस डिस हिप हॉप में आप सभी का स्वागत है। तो वही सिलसिला आगे फिर दोबारा बढ़ाते हैं। कर्मा ने जब गाना बनाया था अपना गूगल पे तो वो ट्रेंडिंग पे आ गया था। उसके बाद कर्मा ने स्टोरी लगाई थी और बोला था इनकी झली, और उसके बाद फिर बंटाया लेवल की तरफ से जो आर्टिस्ट थे उन्होंने भी रिप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने बोला कि एक स्टोरी से कैसे ये लोग कलप रहे हैं। और बाद में जो एमिवे का जो गाना चल रहा था बैकग्राउंड में, और गाना वो था कि रेफरेंस मेटाफर्स अपनी गाने में डाल, जो कि लोग कर्मा के गाने पे ज्यादातर ये चीजें बोलते हैं। उसके बाद फिर यंग गालिब ने भी स्टोरीज लगाई थी, जाने वो इलीगल बार्स देता गालिब होता जब लिरिकल, तो शायद क्या पता गालिब की तरफ से या फिर हिट जोन की तरफ से कुछ डिस्ट्रैक आए। भाई जो भी कर रहे हो जल्दी करो, मामला ठंडा हो जाएगा फिर गर्मा गर्मी कम हो जाएगी। तो अभी अभी हाल फिलहाल में निकाल दो अगर निकालना है तो। उसके बाद जब ये गाना आया था तो किंग ने भी एक तरीके से गाने को शेयर कर दिया था, क्योंकि किंग के बारे में भी बोला था और जिस तरीके से सपोर्ट दिखाया था किंग को कि तू आके देख ले, हो रखा मैं वायरल। उसके बाद फिर हिट जोन का एक बंदे का स्टोरी शेयर करते हैं, जहां पे जैसे कि आप सबको मालूम है बंटाया लेबल ने एक दिन में 1,00,000 सब्सक्राइबर पार कर दिए थे। तो फिर हिट जोन में लगाने लगी कि भाई इनकी जड़ी, और फिर ये सिलसिला पूरा चलने लग गया। फिर अभी रिसेंट सीन ऐसा हुआ है कि भाई मैनेजर ने भी स्टोरीज लगाई, फिर मैनेजर के बाद फिर कर्मा ने फिर मैनेजर के लिए भी बोल दिया कि भाई मैनेजर भी इनका कलप रहा है, और स्टोरीज बहुत सारी आई आपको मालूम है। देन रात को ये सिलसिला जब पैक जाता है आप सबके मालूम है अंदर 12-1 बजे के बाद, तो फिर रॉप्सी का भी गया होगा माल अंदर। तो रॉप्सी ने भी कुछ स्टोरीज लगाई थी, और स्टोरी ये लगाई थी कि पहले दोनों का चीज दिखाई थी जहाँ पे एमिनम मामू का गाना चल रहा था और साथ में फिर उसके बाद कर्मा का गाना चल रहा था, और दोनों के फ्लो एक जैसे थे और म्यूजिक भी एक जैसा था। और फिर वहां पे रॉप्सी बोलते हैं कि ये जो नादान बच्चा है, नदान बच्चा बोले तो कर्मा, ये नदान बच्चा एमिनम के फ्लो में डिस कर रहा है, जो कि 2 साल पहले एमिनम ने 2 साल पहले वो कर दिखाया है। और फिर बोला कि भैया नो हेट, भाई हेट तो हर किसी को अंदर से कहीं ना कहीं होती है, क्योंकि समझ रहे हो नो हेट तो खाली नाम का होता है, खाली लिखने के लिए पीस आउट और नो हेट, ये तो भाई समझ लो इसको तो झंडा बना रखा है हिप हॉप के अंदर। उसके बाद फिर एक और स्टोरी लगाते हैं जहां पे बोलते हैं कि तुम भाई जो जनता है हमारे जैसी जनता, उनको बेवकूफ बना सकते हो अपने गाने के जरिए, लेकिन जो स्टूडेंट्स है जो हिप हॉप के जैसे कि रॉप्सी हो गए जो दूसरे रैपर है उनको तुम बेवकूफ नहीं बना सकते हो। एंड देन यू, और फिर ये रैपर्स लैक पैशन जो कि कर्मा ही बोलते थे, तो उसके बाद फिर बोला कि भाई शर्म है कुछ कि नहीं, स्टिल नो हेट फिर दोबारा से नो हेट और पीस आउट माधा भोसड़ा, इसको भाई बदनाम करके रखा हुआ है रैपरों ने वैसे ही। और फिर उसके बाद फिर बहुत सारे रॉप्सी के पास डीएम से आएंगे, तो रॉप्सी ने वही बोला कि भाई चलो म्यूजिक के लिए हम बोल सकते हैं, म्यूजिक चलो एक बार को 2-3 चीजें ही करने के लिए उसके अंदर होती है, तो म्यूजिक हो सकता है, लेकिन रैपर का काम क्या होता है, रैपर का काम होता है भाई फ्लो स्पिट करना, उसके बाद फिर लिरिकल होना, बट उसके अंदर भी तुम डिस सॉन्ग के अंदर जो एमिनम ने 2 साल पहले कर दिखाया उसी फ्लो में तुम लोग छाप रहे हो, तुम लेम साउंड कर रहे हो। उसके बाद वही बात पकड़ ली लैक पैशन जो कि कर्मा ने बोली थी, और फिर अगेन नो हेट यानी कि माधा भोसड़ा, नो हेट और पीस आउट, ये दो का झंडू बना रखा है। तो ये सिलसिला स्टार्ट है भाई, अगर रॉप्सी अगर आपको भी डिस करना है तो भाई डिस कर दो, लेकिन जो भी है रॉप्सी अगर डिस करेंगे तो मेरे को देखने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि रॉप्सी भी लिरिकली बहुत स्ट्रांग है और रेफरेंसेस एंड वर्ड प्लेस रॉप्सी के भी बहुत हार्ड है, तो अगर कॉम्पिटिशन सा हो जाएगा तो लिरिकली बहुत तगड़ी डिस हमको देखने को मिल सकती है। और मैं सच्ची बताऊं भाई, पिछले कुछ टाइम से रॉप्सी भड़के हुए हैं 47 पे भी और कलमकार वालों पे भी, और जैसे कि रॉप्सी ने बोला था कि ये 2 लोगों पे चौड़ा हो रहा है, एक बादशाह का बोला था और शायद एक जो दूसरा वो कलमकार के ऊपर चौड़ा हो रहा है, क्योंकि जो कलमकार वाले हैं 47 को सपोर्ट कर रहे थे और जो 47 के गाने आए थे उसके अंदर वो पूरी की पूरी कलमकार पे आई थी, और वहां पे उस गाने के अंदर कृष्णा के साथ जो कोलैबोरेशन किया था उसके अंदर सबलिमिनल शॉट्स भी दिए थे, कृष्णा के साथ कोलैबोरेशन था और बहुत गानों में भी सबलिमिनल शॉट्स दिए थे, और वो कलमकार पे आई थी। और फिर बाद में रॉप्सी ने बोला था कि मैंने जो है हमारी अंडरस्टैंडिंग आपस में हो चुकी है, मैंने रफ्तार से कलमकार वाले से बात कर ली, तो वो कहने के जहन में है रॉप्सी के कि यार मतलब कलमकार वाले दोस्त भाईचारा, और आप फिर वापस जब वो 47 डिस निकाल रहे तो उनके उस पे से आ रहा है, तो ये सारी चीजें मेरे को 47 की जो है रॉप्सी के दिमाग में है और कलमकार का भी कहीं ना कहीं एक वो जहन में है, और ऊपर से फिर मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे कर्मा को भी थोड़ा सा पोक कर दिया है, तो
कलमकार के लिए रॉक्सी के मन में शायद मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ है और जल्द ही पता चल जाएगा कभी ना कभी। बाकी कलमकार और बंटाई लेवल की भसूड़ी आपको मालूम है भाई चली रही है। तो भाई अब ऑफिशियली तरीके से तुम लोग बोल चुके हो तो मैं तो कह रहा हूँ भाई कोई ना कोई पार्टी सामने आए और फिर दोबारा से शॉर्ट्स दे, क्योंकि हम भी देखना चाहते हैं भाई कि किसमें कितना दम है, हमें भी पता चल जाए आखिरी में कि भाई बंटाई लेवल ज्यादा पावरफुल है या फिर कलमकार ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये हम बहुत दिनों से देख रहे हैं और अब पर्सनली हो गए एक दूसरे से सब लोग। तो भाई लड़ो लड़ो, पब्लिक को एंटरटेनमेंट करो और पब्लिक भी फिर एक उस पर पहुंच जाएगी कि हाँ भाई क्या सही है क्या गलत है, और पब्लिक भी फिर शायद ज्यादा हिट करना कम कर देगी आर्टिस्टों को। बाकी बाय बाय।